साहिबगंज से खबर है जहां उधवा में कांग्रेस पार्टी की भारत छोड़ो यात्रा का आयोजन हुआ। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारा के साथ पूरा उधवा गूंज उठा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जगह जगह भारत जोड़ो अभियान पर पदयात्रा कर रहे हैं। इस भारत छोड़ो यात्रा अभियान को मजबूत करने के लिए साहिबगंज जिला के उधवा प्रखंड में रविवार को इंग्लिश खेल मैदान में मैदान से प्रखंड मुख्यालय प्लस टू हाई स्कूल उधवा मैदान तक पदयात्रा किया। इसकी शुरुआत इंग्लिश मैदान में झंडा उत्तोलन कर नफरत छोड़ो भारत छोड़ो के नारे के साथ किया। इस पदयात्रा में राज्य के पाकुड़ विधानसभा विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, भारत छोड़ो यात्रा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मंत्री ने इस दौरान आपको सुनवाते हैं। आठ सालों से जो मोदी सरकार, उन्होंने जनता के बीच में बहुत सारी वादा किए, पढ़ाई के बारे में हो, बेरोजगारी के बात हो, सबके विकास की बात हो, लेकिन उन मुद्दे पर एक विस्तार नहीं। वो विश्वगुरु बनने के लिए बात कर रहे हैं, वो देश को कहाँ ले जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो लोग आपको वोट देकर जाए आपको उनके मुद्दे को आप क्यों नहीं, आपको बताना चाहिए कि आप जब भारत कांग्रेस की सरकार थी तो 390 रुपया में 400 रुपया में गैस, आज 1100 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है। आपने बोला कि 65 रुपया 68 रुपया का है, हम 50 रुपया इसका डीजल बनाते हैं, 100 रुपया में डीजल बिकने लगा। आपने बोले कि डॉलर का दाम जो गिर रहा है तो हिंदुस्तान को देश चलाने की काबिलियत कांग्रेस में नहीं है। तो जब हमारा 68 रुपया था हमको काबिलियत नहीं था, लेकिन आप 82% आपकी काबिलियत कहाँ है। ये सारे प्रश्नों को लेकर जो हमारे समाचार के माध्यम से आना चाहिए था वो कभी नहीं। राहुल जी ने कहा कि हम गांव में जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे और लोगों को उसको हम बताएंगे, और वही काम उन्होंने किया। आज भी चैनल उतना नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी प्रभावित हुआ है, लोग उसको समझ रहे हैं और लाखों लाखों लोग उसको जुड़ रहे हैं। हम लोग भी अभी 17 तारीख से ज्वाइनिंग करेंगे के लोग। सर उधवा क्या समस्या, सर उधवा में इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास जो बन रहा है सर, किसके लिए बालू गिट्टी सर सब बन रहा, बालू जैसे बालू कमाई टोली। देखिए हमको लगता है कि घाट का जो है मुखिया जहाँ पर घाट का निगामी होता है या घाट से जहाँ से बालू उठता है उसको तो परमिशन दे चुका है, और ये समस्या हमको लगता है बहुत जगह है, जानकारी नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत अब मुखिया का अधिकार दिया सर। एक सर उधवा में दियारा क्षेत्र सर, हमारे उधवा के सबसे घनी आबादी दियारा क्षेत्र में, वहाँ का जनरल बहुत बड़ी समस्या है, और मैं समझता हूँ कि झारखंड बनने के बाद इसको लेकर काफ़ी हम लोग चर्चा भी किए थे। साहेब इनका एक मसला था खास महल का, और अपने इस क्षेत्र का महल था कि ताकि जमीन हमारा बेटी का शादी हो या कोई बीमारी हो जाता है तो हम चाहकर भी अपना जमीन रहते हुए भी हम इलाज नहीं करा पाते, ये समस्या है, और हमारी सरकार इस पर नए सेटलमेंट ना करने से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।